गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 2.4। सम नंबर 1। अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमीना ने कोई नंबर सोचा और उसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट, और जो उसका रिजल्ट आया उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ रिजल्ट ऑब्टेंड 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। ऑब्टेंड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ इट। व्हाट इज नंबर? जैसे ये क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, मैं एक एक लाइन के अकॉर्डिंग आपको करवाती हूँ। अमीना थिंक ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमीना ने एक नंबर सोचा और उसमें से कितने सब्ट्रैक्ट किए? 5/2। ये देखो, उसने नंबर सोचा, सपोज कर लो उसने क्या नंबर सोचा, x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर में से हमने 5/2 को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं शी मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट बाय 8। नंबर में से हमने 5/2 को सब्ट्रैक्ट किया और जो रिज़ल्ट है उसको हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद है रिज़ल्ट ऑब्टेंड 3 टाइम्स द नंबर शी थॉट ऑफ। जो रिज़ल्ट आएगा इक्वल टू मींस जो रिज़ल्ट आएगा वो 3 टाइम्स होएगा जितना उसने नंबर सोचा है उसका। तो नंबर उसने सोचा था x, तो रिज़ल्ट क्या आएगा? 3x, मीन जो उसने नंबर सोचा था रिज़ल्ट उसका 3 टाइम्स होएगा, ठीक है। ये आपकी बन गई क्वेश्चन कि अमीना ने जो नंबर सोचा उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट किया, उसको फिर 8 से मल्टीप्लाई किया और जो रिज़ल्ट आया मींस इक्वल टू वो जो उसने नंबर सोचा था उसका 3 टाइम्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गई। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। 8 को पहले x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 8x आ गया। फिर 8 को इससे मल्टीप्लाई किया, 8 मल्टीप्लाई 5/2 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। इसकी कटिंग हो गई, 2 4 8, ठीक है। फिर 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 20 आगे। आपका सिंपल जो है टर्म बन गई, x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे तो आपका x की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई? 4। देयर 4 जो उसने ओरिजिनल नंबर सोचा था वो क्या था? 4। ये आपका हो गया फर्स्ट सम। नाउ सम नंबर 2। सम नंबर 2 इज़ अ पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक कोई नंबर है वो दूसरे नंबर का कितना है? 5 टाइम्स, ठीक है। तो हमने एक नंबर ले लिया x, तो उसका अनदर नंबर कितना हो गया? दूसरा नंबर कितना है उसका? 5 टाइम्स, मीन 5x, ठीक है। उसके बाद बोला गया है 21 इज़ एडिड टू बोथ द नंबर। कहते दोनों नंबर में 21 को ऐड करो। हमने दोनों नंबर में एक नंबर हमने लिया 5x प्लस, उसमें भी 21 ऐड कर दिया। दूसरा नंबर, एक नंबर है x, उसमें भी हमने 21 को क्या कर दिया? ऐड, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। कहते इस दोनों में 21 ऐड करने के बाद एक नंबर दूसरे का क्या हो जाता है? ट्वाइस। तो हमने ट्वाइस 2 किसके साथ लगाना है? जो स्मॉलर नंबर है ना उसके साथ 2 लगाना है, ट्वाइस उसके साथ लगाना है, ठीक है। दोनों में 21 ऐड कर दिया और जो स्मॉलर नंबर है उसका क्या कर देंगे? ट्वाइस, ठीक है। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? जो दूसरा ग्रेटर नंबर है, ठीक है। अब ये आ गया 5x प्लस 21, ये 2 को x से मल्टी 2x, फिर 2 को 21 से मल्टीप्लाई किया, 42 आगे। अब सिंपल इक्वेशन बन गई, विदाउट x एक साइड, x वाले एक साइड, उससे क्या हो जाएगा? हम सॉल्व करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 7। x 7 आ गया, फर्स्ट नंबर हमने लिया था x, वो आ गया हमारे पास 7। दूसरा नंबर हमने लिया था 5x, तो वो आ गया 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 35। ये आ गया हमारा सेकेंड नंबर, राइट। तो फर्स्ट नंबर 7, सेकेंड नंबर 35। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड सम में सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का नंबर है, उसके जो नंबर है उसका सम कितना है? 9, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपको कि 2 डिजिट नंबर है 4 और 5, ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर है ना, तो इसका अगर हम इसको प्लस करेंगे तो कितना बनेगा? 9 बनेगा ना, ठीक है। ऐसा कोई सम नंबर है वो 2 डिजिट का है, उसका सम कितना है? 9, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि सपोज कर लो जो डिजिट है वंस प्लेस पे, मींस ये वंस प्लेस, सपोज कर लो ये वंस प्लेस है, सपोज कर लो डिजिट एट वंस प्लेस एक्स हमें नहीं पता वो कितना है, ठीक है। तो डिजिट एट टेंस प्लेस कितना हो जाएगा? 9 माइनस एक्स होएगा ना, क्योंकि दोनों का सम है 9, ठीक है। अगर एक नंबर एक्स है तो दूसरा कितना होएगा? 9 माइनस एक्स। जैसे एक नंबर ये 5 है तो फिर दूसरा कितना हो गया? 9 माइनस 5 4 आ गया।